इस वीडियो में आप देखने वाले हो जायरोस्कोप की खतरनाक सेंसिटिविटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बनारसी गेमर। तो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूं एक नया वीडियो। का कमेंट आया था एक बंदे ने, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि भैया आपने सेंसिटिविटी बता तो दिया लेकिन फिर भी मेरी सेंसिटिविटी सही से काम नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सेंसिटिविटी सही है, 100% सही है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बाकी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, आप स्किप करोगे तो। दोस्तों, हम आ गए सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड में। आपको यही बताएंगे कि आप कैसे सेंसिटिविटी को आप मैनेज कर सकते हो, कैसे आप खेल सकते हो। जो मैंने सेंसिटिविटी बताई थी वही सेंसिटिविटी पे मैं आपको खेल के बताऊंगा। क्यों तो अगर सेंसिटिविटी आपने नहीं देखी है तो आपको फिर से मैं सेंसिटिविटी इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप पूरे वीडियो को देखें, बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सेट करेंगे M460 की सेंसिटिविटी, देखेंगे कि कैसे ये क्या है। तो भाई हम उठाएंगे अब 4x और 3x, फिर उसके बाद रेड डॉट, फिर उसके बाद इसको भी उठा लेंगे। तो पहले चेक करते हैं हम लोग रेड डॉट, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये हाथ हटा ले रहा हूँ इसको, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने मैं इस उंगली से, अब फिर मैं जो बुलेट बटन है बस उसको प्रेस करूँगा तो आप देखना क्या होगा। ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको ये दो फिंगर पूरी की पूरी ऐसे देख लो आप, ऐसे करके रखनी है आपको, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस ऐसे करके रखोगे आप तो देखो अभी आपका जो स्कोप था ये ऊपर जा रहा था, अब स्कोप आपका ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ। लो देखो आप, दोस्तों ये स्कोप ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने इस उंगली से मैनेज कर लिया था और मैंने जायरोस्कोप से भी मैनेज कर लिया था। तो दोस्तों फिर से मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। दोनों उंगली आप ले लो, फोर फिंगर तो आप दोस्तों ऐसे खेल सकते हो। बाकी अगर आप नॉन जायरो प्लेयर करते हो तो आपको फिंगर से ही आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी आपकी सेंसिटिविटी। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो आप फिर से जायरोस्कोप की जो सेंसिटिविटी होती है ऐसे ही काम करती है। तो फिर आप देख सकते हो सीधे हेड पे मार रहा हूँ, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है क्योंकि मैं ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ इसकी सेंसिटिविटी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे 3x, ओके। ये स्कोप भी नहीं हिल रहा है क्योंकि मैं सेंसिटिविटी कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो लॉन्ग, आप लॉन्ग रेंज में भी फायर कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आप और अच्छा प्ले करना चाहते हो तो आप लेट कर भी ऐसे मार सकते हो, जो कि आपको फिर उसके बाद फिंगर नहीं लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो, देखो आप कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आपको फिर से जायरो से मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, आपको मैं लॉन्ग रेंज में भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या कैसे करते हैं। आप कि मैंने काफ़ी हद तक सेंसिटिविटी को मैनेज कर लिया से अपने फिंगर से और जायरोस्कोप से। तो दोस्तों कोई भी सेंसिटिविटी होती है उसे सीखना पड़ता है हमें और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की, सेंसिटिविटी बनाई, मैंने भी कई सारी वीडियो देखी तब जाके मैंने ऐसा सीखा। नहीं तो मैं जो फाइल आते थे पहले, जो पबजी के और BGMI के आते थे, वो मैं फाइल लगाता था जिससे ID बैन होने का खतरा भी है। तो दोस्तों आप कोई भी फाइल का, कोई भी जो भी OBB का यूज ना करें क्योंकि आपका गेम बैन हो सकता है आपका ID। तो प्लीज़ मैं तो ये आपको बताऊंगा कि आप कोई भी OBB या ID यूज ना करें, क्योंकि मैं भी पहले यूज करता था, मेरी 2 ID बंद हो चुकी है। तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपकी ID बच जाए। तो आप देख सकते हो, आपको सेंसिटिविटी फिर से दिखा दे रहा हूँ कि सेंसिटिविटी कैसे आपको मैनेज करनी है, कैसे सेट करनी है और
अब आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंसिटिविटी कोड भी आपको दिखा सकता हूं मैं। तो इस वीडियो में आपको सेंसिटिविटी कोड भी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक कंट्रोल्स में आके आप ऐसे पूरी सेटिंग मैनेज कर सकते हो, आप पिक वगैरह को सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। या फिर एडवांस सेटिंग में आप आओ, यहाँ पे आप आके यहाँ पर देख सकते हो कि जो जो मैंने चीज़ें अनेबल की है, जो जो ऑन की है उसे आप ऑन कर सकते हो। ये आपका TPP स्कोप जो TPP करके है, जिसे आप फुल भी रख सकते हो, चाहो तो 80 तक भी रख सकते हो, क्योंकि आपका उससे मैनेज हो सकता है। और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें आप फुल रख सकते हो। मैं तो सीख चुका हूँ काफ़ी हद तक, इसलिए मैंने फुल रखा है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और फिर आप देख रहे हो एम असिस्ट ऑन रख सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ें जो भी हो, मेन चीज़ें मैंने ऑन रखी है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक दूसरे वीडियो में, इसका जो पार्ट टू में लाऊंगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपकी सेंसिटिविटी आपको पूरी दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ये आपका था एडवांस सेटिंग वगैरह। अब आप आ गए हो जो होती सेंसिटिविटी की सेटिंग, आप देख सकते हो ऐसे सारी सेंसिटिविटी सेटिंग में दिखा सकता हूँ आपको, देख लो आप, ठीक है। ये हो गई आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग, जायरो की आपको दिखा दे रहा हूँ, जायरो की देख लो आप, लेंस की हो गई, जायरो की हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो, आप यहाँ जाकर देख सकते हो। अब आपको सेंसिटिविटी कोड दिखाने वाला हूँ मैं, यहाँ से आप जाके सेंसिटिविटी कोड देख सकते हो। देखो दोस्तों, ये सेंसिटिविटी कोड हर बार चेंज होती रहती है, लेकिन आप जाओगे चेंज देख लोगे, कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो। पेस्ट कहाँ करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सर्च का बटन, उसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करके उसको प्रीव्यू कर दो आप, ठीक है। प्रीव्यू करके लेआउट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आप आओगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारे गन की सेटिंग मिलेगी, जो कि आप में बनी नहीं रहेगी, आपको बनानी पड़ेगी। एक सेंसिटिविटी कोड मैं आपको दूंगा, अगर उसको आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो उस सेंसिटिविटी कोड से आपका ये जो पूरे गन की है ना सेंसिटिविटी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी आप में। तो फिर दोस्तों आप देख सकते हो ये सब सारी चीज़ें हैं, 3xs, ये सब जो भी है आपकी गन की सेंसिटिविटी, ये M460 की है, ठीक है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें, AKM की भी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक सेंसिटिविटी दिखा नहीं सकता। तो आपको मैं सेंसिटिविटी कोड दिखा देता हूँ गन की, आप यहाँ पे जाके शेयर कोड में करूँगा, ये है गन की सेंसिटिविटी, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप पेस्ट करके प्रीव्यू करके लेआउट करोगे तो आपका ये गन की सेंसिटिविटी सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद फिर उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद अगर ग्राफिक्स सेटिंग आप करना चाहते हो तो देखो आप यहाँ आके इस बूथ पे आके स्ट्रीम्स कर सकते हो आप, जो भी इसके बोलते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रीम भी आती है, क्योंकि ये फ़ोन अल्ट्रा स्ट्रीम में नहीं है, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये गेमिंग फ़ोन है, ये नॉर्मली फोन मैं यूज़ करता हूँ, इसमें आपको बता रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप जो भी इसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, आप देख रहे हो मेरी सेटिंग में मैं जिस हिसाब से खेलता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया सेंसिटिविटी सारी बता दी आपको मैंने, जो भी था दिखा दिया आपको, ठीक है। सेंसिटिविटी कोड भी मैंने आपको दिखा दिया, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर ये देखो आप, ये जो सारी सेटिंग है मैंने आपको बता दिया, और बस यही थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी सारी प्रॉब्लम होगी आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मैसेज करूँगा, आपसे बातें करूँगा। जैसे मैंने इस भाई की बात किया है, मैं आपको दिखा दूँगा कि मैंने इस भाई से बात किया, सारी सेंसिटिविटी सेट कराई इस भाई की, और सेंसिटिविटी कोड भी भेजा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आने वाला हूँ, फिर और भी छोटे छोटे सेटिंग बताऊंगा आपको, सेंसिटिविटी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, तो नमस्कार।